कल हम लोग आ गए थे गुलमर्ग और हमने ना यहीं पे आसपास घूमे, आपको दिखाया था शंकराचार्य टेम्पल और यहाँ का गार्डन, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग, और कहते हैं वहाँ जीरो पॉइंट पे जाते हैं ना तो स्नो भी मिलती है, तो देखते हैं आज हमें स्नो मिलेगी कि नहीं। वैसे कश्मीर में ना जहाँ चले जाओ इतनी खूबसूरत वादियाँ दिख रही है ना, बस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे कितनी सुंदर सुंदर व्यू है, जहाँ भी चले जाओ कहीं पर भी चले जाओ, मतलब वादियाँ सुंदर है यहाँ पर, मतलब ग्रीनरी इतनी है ना और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या बताऊँ, मतलब कितना बता रहा था हमारे को 70-79 आईक्यू लेवल। ओहो, मतलब ब्रीथिंग बहुत अच्छी हो रही है भाई, जो भी कहो। गाइस अगर आपको भी चलना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो, तब तक के बाय। चलो घूम के आते हैं, चलो चलो। तो यहाँ से हम करने वाले हैं चेकआउट, तो हमने सामान तैयार कर लिया है सारा, चेक कर लिया हमने, यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि एक बार ना इनकी इतनी प्यारी शर्ट छूट गई थी ना, उसके बाद से दरवाजे के पीछे तो जरूर देखते हैं हम लोग। चलो जी, तो गाइस इधर दोबारा सामान रख लिया है। गाइस हाँ, मम्मा मुझे आगे नहीं बिठा रहे, मुझे आगे बैठने मम्मा प्लीज। मौसम बिल्कुल साफ है भाई, हाँ इधर देखो ये स्कूल जा रहे, सुबह 9:30 बजे निकलते भाई, यहाँ देर से लगता है स्कूल खुलता होगा, टाइम देख लो क्या हो रहा है। हाँ बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ 3 दिन का, क्योंकि हम लोग 3 दिन में इधर उधर घूम रहे ना, तो हमें कहीं भी जाना होता है ना तो हमें श्रीनगर से ही होकर जाना पड़ता है, कहीं भी जाओ, चाहे गुलमर्ग जाओ, सोनमर्ग जाओ या डल लेक वगैरह घूमना हो, तो सब श्रीनगर में ही है, मेन सिटी में ही आपको होटल लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस ये शेयर करना था मुझे आप लोगों के साथ। बस देखना कितनी पुरानी है, जो पर हो गई होटल ये यहाँ चल रहा है, ये देखना बस कहते छोटी, यहाँ भाई ट्रैफिक पुलिस वाले तो कहते टी शर्ट और इसमें वॉकी टॉकी ले रखा बस। झेलम है क्योंकि हम भी वहाँ आगे से भी, तो देखो मार्केट हो रही सामने, झेलम उधर से ही निकल रही थी, ये भी झेलम ही है देखो भाई, 426 ये भाई हमारे को दिल्ली से आते हुए मिली। उसके बाद श्रीनगर में एक बारी मिली, कल फिर हम आ गए थे गार्डन गुलमर्ग, में गुलमर्ग, गुलमर्ग में नहीं अपना टूलिप गार्डन के पास, हाँ। तो उधर भी मिली, फिर सुबह सुबह हमारे साथ चल रही है, सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने हमारी तरह बना रखा अपना रूटीन भी। चल भाई साथ साथ रहेंगे, दिल्ली और एचआर साथ साथ, बाय बाय। तो देखो मैच खेलेंगे बच्चे फुटबॉल का, व्यू देखो गाइस, सब घूम फिर के आसपास हम यही घूम रहे श्रीनगर में, ऐसी रोड से निकलवा रहा भाई ये गूगल हमें, देख लो ना सोमवार में ना होम स्टे होटल ले रखा था, तो हम वहाँ पहुँच गए, चलते अंदर देखते हैं क्या है। तो गाइस आप भी इस टैक्सी, आपको भी चलना है तो देख लेना क्या आंसर है। तो भाई हम यहाँ स्टे करने वाले हैं आज, यहाँ देखो सेब लग रहे हैं, छोटे छोटे से सेब। फ्रेंड्स सब आ गए हैं फ्रेंड्स, और ये है आज का हमारा रूम, हमने रूम में सामान रख दिया अपना, और अब जा रहे हैं सोनमर्ग की तरफ। एक भैया कह रहे हैं मत जाओ क्योंकि लेट हो जाएगा, वहाँ ना 2 बजे से पहले पहुँचना पड़ता है जहाँ पे कोई होगा पॉइंट, और फिर उसके बाद आगे जाने देते हैं, नहीं तो वहाँ रोक देते हैं, देखते हैं हम लोगों को मिलता है कि नहीं। तो भाई हमने डिसाइड करा है 0 पॉइंट पर जाने के लिए सोनमर्ग, चलते हैं। कुछ भी हो घूम फिर के इधर ही आना पड़ता है बार बार, हमने होटल में अभी अपना चेक इन करके फिर निकल रहे हैं हम 0 पॉइंट के लिए, और देखो। तो गाइस यहाँ से फिर से हम ले रहे हैं केले, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं नाश्ते में हमें, आज का भी नाश्ता हमारा केला होने वाला है। यहाँ वैसे नॉर्मल होटल नहीं है, जैसे हमें अपनी जगह पर मिल जाते हैं, जगह जगह पे होटल कुछ भी मिलता रहता है खाने के लिए, यहाँ ब्रेड पकौड़ा समोसा वो जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हमारा मन नहीं है वो खाने का, तो हम ले रहे हैं नेचुरल केले, वही खाएंगे, उसका करते हैं नाश्ता, फिर चलते हैं पहाड़ पर। ये देखो गाइस फिर से हमें वही चीज़ देखने को मिलती है यहाँ रोडों में, यहाँ से भाई अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। ये कौन सी है, सिंध नदी गाइस, ये सिंध नदी, हाँ
बस ये देखो दो हमारे लड़ाकू विमान लग रहे भाई, ये तो स्पीड में चल रहे भाई। सोनमर्ग यहाँ से 50 किलोमीटर बालताल क्या मस्त व्यू, स्नो चारों तरफ, व्यू ही व्यू है देखने लायक। राजस्थान की भी गाड़ी आई है हमारे साथ, काफी लोग आते हैं अपनी गाड़ी लेके। नाम लेना मार्केट है, भीड़ है। गाइस ये आई सिंध नदी और इधर टूरिस्ट रुक के अपना फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं। गाइस देखो व्यू, लाइक कर देना यार, इतने प्यारे प्यारे व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखो 379 बिल्कुल और पास आ गए भाई हम। फ्रेंड्स आपको व्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना मेरे चैनल को, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना ना भूलने। लद्दाख की गाड़ी घोड़े लेके जा रहे हैं आगे वाली गाड़ी में, घोड़े गधे। ऊपर तो हो रहे बादल और धुंध सी भी हो रही है ऊपर, इसमें तो सारे में बर्फ पड़ी है भाई। तो फ्रेंड्स जो हमने सोचा था जीरो पॉइंट पे जाने के लिए, अब नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ की लास्ट एंट्री 2 बजे तक होती है, उसके बाद सिर्फ भारी वाहनों को जाने दिया जाता है, नॉर्मल वाहनों को नहीं जाने दिया जाता। तो हम लोगों ने डिसाइड करा है कि अब हम सिर्फ सोनमर्ग में इंजॉय करेंगे, तो आई होप आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय करेंगे। सामने का पहाड़ देखो क्या मस्त है भाई, मैं व्यू कितने कैप्चर करूं, मतलब क्या होगा भाई। इधर नई सड़क बन रही है, 2 लेन का हाईवे, कारगिल वगैरह जाने के लिए, और ये इधर जा रहे हैं हम सोनमर्ग के लिए, इधर एरो बना रखा। यहाँ थोड़ी रोड खराब मिली हमको, सोनमर्ग जहाँ एंट्री करते हैं सोनमर्ग के लिए वहाँ से थोड़ी रोड खराब है यार। तो फ्रेंड्स यहाँ से 13 किलोमीटर और रह गया सोनमर्ग। कश्मीर आओ ये सब ना देखा तो फिर बेकार है यार, इसलिए आ रहा हूँ कश्मीर।
ये चीजें तो बनती है यार, ये तुम्हारे को और ज्यादा इधर हिल स्टेशनों पे नहीं मिलेंगे। मसूरी जाओ, शिमला जाओ, ये सब मिलता है कोई? मनाली में है बस एक, वो भी ऐसा कोई खास नहीं है। यहाँ तो देखो आप सोनमर्ग की साइड जा रहे हो तो मिल रही है, देखो ये सिंध रिवर ठीक है, और अपना पहलगांव गए थे तो वहाँ पर भी क्या नदी का नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लिद्दर नदी तो वहाँ पर भी मिल रही थी। तो यार ये नजारे ही है, देखो वादियाँ हैं क्या मस्त है। देखो यार मई जून के अंदर भी आप आ रहे हो कश्मीर, आपको मौसम ऐसा मिल रहा है। गाइस अभी शीशे बंद करे हैं, नहीं तो मेरा शीशे बंद करने का 1% भी दिल नहीं है, क्योंकि यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धूल मिट्टी सारी अंदर आ रही है, तो इस वजह से मैंने बंद करे हैं। थोड़ी दूर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये तो गर्मी तो मतलब ही नहीं है कि आपको पसीना भी आ जाए, धूप जरूर दिख रही है, मतलब पूरे कश्मीर में पसीना नहीं आएगा। शंकराचार्य टेम्पल पे चढ़ाई थी तो भाई वो चढ़ाई चढ़ते सब में तो यार थोड़ा बहुत पसीना बहता ही है। ऊपर देखो वो ग्लेशियर, वाह 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 वाह, और सामने वो देखो ग्लेशियर पिघल के नीचे आया हुआ है। पानी बोल रहा मैं हूँ, आवाज देख रही हूँ, आवाज मस्त आ रही है देखो बिल्कुल। ये देखो ये ग्लेशियर है भाई, भाव देखो इधर पानी का, यहाँ तो पटक पटक मारेगा पानी तुम्हें, और पार्क भी है यहाँ। वाओ यार भाई जी देखो कितना मोटा ग्लेशियर है, मोटाई देखो इसकी, ये तो पिघल रहे हैं ना, कह रहे हाँ यार दीदी पिघल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है कि मैं तो मुझे खेलना है। चट्टान पे खड़े होके फोटो क्लिक करा रहे हैं, टेम्पो ट्रेवलर वाले लाइन पे होते हैं। देखो कितना फुट है, कितना फुट पड़ा हुआ है, वही तो अब तो जगह जगह मिलने लगी ग्लेशियर, ये व्यू ऊपर से और वो देखो सामने, अब तो मतलब और भी व्यू मस्त होने वाला है। क्या यार उधर ही जाना होगा मेरे ख्याल से, सोनमर्ग के लिए। अच्छा उधर से बंद कर रहा था भाई, उधर से आने वालों के लिए, आने वालों का से जाना। देख रहे यार हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आया दे पापा। भाई फाइनली पहुंच गए हम सोनमर्ग, तो भाई शूज पहनो, यहाँ पे शूज पहनना पड़ेगा। अरे ये है कश्मीर की खूबसूरती। क्या है भैया आपका? ग्लेशियर। हाँ ग्लेशियर का कितना ले रहे हो? 1600। 1650 है 1600। आप कितना बोल रहे हो? अरे 2 मिनट रुक जा। कितने लोग हैं सर? 2 घोड़े करेंगे जी। बताओ क्या लोग हैं? बच्चे हैं दोनों साथ में हमारे, हो जाएंगे एक में एक एक में। दीदी हमें क्या तकलीफ है अगर बच्चे? आप बताओ ना क्या दो बच्चे नहीं होगा जी? आप बताओ सर। दो बच्चे एक घोड़े, एक बड़े के साथ, सुनो एक बड़े के साथ एक बच्चा हो जाएगा हमारा। चलो अगर हो गया तो ठीक है कोई। बताओ क्या लोगे आप? दीदी 1600 रेट है बोल रहे हम, 1600 हम 1700 नहीं कर सकते। नहीं तो पर्ची कहाँ कटेगी 1600 रुपए की? पर्ची नहीं कटती है सर यहाँ। फिर काय का रेट है? 1600 तो 1000 रुपए का है। 1000 रुपए? 1000 होगा तो मैं आपको फ्री ले जाऊंगा, टूरिस्ट ऑफिस मार्केट में है वहाँ पे आप मालूम कर सकते हो। ठीक आपको कितना देना वो बोलो। 1000 रुपए घोड़ा देंगे, 2 घोड़े करेंगे, बच्चे भी डबल है ना। और सेकंड फेज तक लेके जाओगे ना? सेकंड तक, वो फर्स्ट बारी बात नहीं, सेकंड फेज तक। हाँ तो 1000 रुपए घोड़ा देंगे, इतना कम हो जाएगा, 1100 रुपए दे देंगे। मैं एक बात बोलूंगा आपको, आप नहीं बोलोगे बोलूंगा मैं, सिर्फ पहले मेरी बात सुनो।
कोई वो वाली बात नहीं है कि हम आपके साथ बार बार बार्गिंग करें, वो वाली बात नहीं है। 1600 गवर्नमेंट रेट है, आप 1300 देते ना आपकी ना मेरी, 1200 डन। देखो 1200 डन, मैं क्या कह रहा हूँ, लॉक मैंने लॉक कर दी, बात दी लॉक कर दी, 1200 रुपए डन। 1200 करेंगे दो ही घोड़े भैया, हाँ करेंगे दो घोड़े जी, ठीक है ना। ये मतलब वन साइड का रहेगा, टू साइड का रहेगा? आना जाना, आना जाना, अप डाउन। दीदी मेरी वीडियो बना रही है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन रहेगा, ब्लॉक ब्लॉक, आना जाना, चार पॉइंट पूरा, लास्ट मेन थाजवास ग्लेशियर बर्फ के ऊपर लेकर, और जितने टाइम घूमो वापसी में आपको यहाँ छोड़ेगा घोड़ा, गलत नहीं करेंगे सर। अरे भैया रास्ता है ना चलने का, घोड़ों का, घोड़े का ट्रैक है ना सर, है ट्रैक है ना घोड़ों का, नहीं पता चले फिसले फिसलेंगे तो नहीं ना, फिसलेंगे सर, डर लगता है यार हमें, डर नहीं लगता सर, आप ऐसे ही बोल रहे। चलो 1200 रुपए दियो और मैं बताओ कहाँ लगाऊं गाड़ी का। 13 में डन करो, लगाओ गाड़ी अंदर पार्किंग में, जाओ कोई 100 रुपए के लिए आप ही। चलो एक काम करो, बीच की रखो, 13 × 26 25 में, 2500 में, ठीक है, 2500 दो, ठीक है, डबल है ना, मैं वन सीट बस सीट डबल। जल्दी बोलो भैया, डिसाइड करो, गाड़ी लगाएंगे, समय से वापस जाना है, हमें नीचे भी जाना है वापसी। नहीं वो कोई बात नहीं सर, आप जा सकते हो, आप हमारे मेहमान हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चे आपके साथ नहीं बैठ पाए तो तीसरा घोड़ा करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स कितनी ज्यादा ग्लेशियर है ज्यादा, और मैं के महीने तो भाई यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, आगे घोड़े की राइड लेते हैं, ऊपर सेकंड पॉइंट तक जाएंगे, बर्फ है भैया बता रहे हैं, तो चल रहे हैं भैया का, देखते हैं हमारा। ओए इधर इधर देखो यार, ट्रैफिक भी है, ध्यान रखना पड़ता है। हमने व्यूअर्स के लिए व्यू ले रही हो, चलो चलो भाई चलते हैं, हम घोड़े पे चढ़ते हैं भाई। इधर बैठ गई है रिधिमा, इधर बैठ गया राजा, अब इस वाले पे जा रहा हूँ मैं और नोनू बैठने, ये डरती है थोड़ा भाई। ये देखो इस तरीके से जाएंगे घोड़े से, काम होते नहीं होते, बातें करते चल रही है इनसे, भाई देखो कहाँ आ गए हम, भाई उधर से बड़ा ऊबड़ खाबड़ था, इसी तरह पत्थरों की तरह नदी क्रॉस करेंगे। अरे वाह, घोड़े पे चढ़ के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत हो रही है मेरी। चलो शुरू हो जाओ, सत्ते पे सत्ता की शूटिंग, सत्ते पे सत्ता, वो जो बड़ा उसका घर बनाया था उन्होंने, वो देखो कहाँ शूटिंग के लिए रखी, उन्होंने वो लिया जगह अभी दो दिन पहले, आज ही दिन रख दिया है। हाँ हमने देखा था वीडियो, वो भी यहीं आया था, यहीं शूट हुआ है सोनमर्ग में ही। हाँ सोनमर्ग थोड़ी बहुत हुई है। अच्छा अच्छा, और भी यहाँ बजरंगी भाई जान, हाँ वो तो सारा हमें पता ही है, वो भी थोड़ा सा होता है, वो दरगाह का है, दरगाह में थोड़ी सही कर, वो तो अच्छा मुकाम है। फ्रेंड्स जितना सिंपल आपको रास्ता दिख रहा है इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जहाँ उबड़ खाबड़ ज़्यादा था, क्योंकि भाई ये पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो हिल तो दिखेगी, तो वहाँ पे ज़्यादा ही डर था गिरने का, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो नहीं शूट किया है। सोनमर्ग जाने और आने वालों की भीड़ है भाई। फ्रेंड्स आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी है ना, जो उसका लास्ट सीन क्रिएट हुआ तो वो इसी नदी के किनारे हुआ है, दोनों तरफ तार फैशन फैला दी थी और सारे यहाँ के फौजी भाई और ये घोड़े वाले भैया लोगों को इकट्ठा करके फिर वो सीन क्रिएट किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। घोड़े पानी पी रहे और ये देखो कहाँ से निकल रहे हैं। फ्रेंड्स इतने अच्छे अच्छे व्यू दिखा रहे तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दिया करो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। भाई साहब छींटे पड़ गए पैरों में भी, देख रहे हो कितनी पब्लिक आती है भाई इधर। अरे कहाँ गए उनको घोड़े वाले, कहाँ गए उनके बच्चों के, अरे वो तो ठीक है वो भी तो आ जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं भाई।
हमारे वाले भैया सही हैं, देखो मेरी अरादे को पकड़ के चल रहे हैं बड़ी जल्दी। पीलिया पानी हमारे घोड़े ने है ना, ये पाइप बिछी हुई है यहाँ पे, यहाँ कितना काम होता है, कहाँ तक काम करवाते हैं सरकार। ये उछालता है ना, मुझे गुस्सा आता है। तो भाई आ गया घोड़ों का पॉइंट, कितने सारे घोड़े आए हुए यहाँ पे, उसमें हम भी एक है। यहाँ पे मैगी पॉइंट है, चाय कॉफी वगैरह सब इंजॉय कर सकते हैं, केला तरबूज। पूरी मार्केट लगी हुई है, छोटे छोटे से स्टॉल लेकर बैठे हुए, चिकन बिरयानी आपको सब कुछ मिल जाएगा भाई यहाँ पे खाने के लिए। आप बिठा दिया हमको और ये लोग अब स्केट वगैरह के लिए पूछ रहे हैं इस तरीके से। चलो 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 भाई, इस तरीके से पार करना। चलो भैया चलो। तो भाई हाँ तो गए, थोड़ा ठंडा भी है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ठंडा। आराध्या को तो सुकड़ रही है। चलो चलो, क्योंकि वापसी भी जाना है यार। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये देखो क्या मस्त, इतना हम पैदल ट्रैक करके आए, जहाँ से वो भीड़ दिख रही है वहाँ से पैदल ट्रैक करके आए हम। यहाँ बारिश की आने लग गई है। हाँ यहाँ मौसम खराब हो जाता है भाई, वो देखो ऊपर। जी ने यहाँ आग जला रखी है नानू के लिए। नानू आपके लिए थैंक यू बोल दो अंकल जी को, आग जला रखी बताओ। सही है, मस्त है, इधर बैठ जाओ ना, गरम लगेगा यहाँ। मई के अंदर देखो हाथ सेका जा रहा है इधर, और इधर स्नो पड़ी हुई है मई में। मैं भी डॉम में 2 मिनट आ रहा हूँ। ये देखो कहाँ घूम रहे हैं वहाँ ऊपर जाके, क्योंकि पैर फिसलने का ना, इसलिए बच्चों को ऊपर नहीं लेकर आए हम लोग। ओए तुम भी फिसल रहे हो भाई, व्यू है भाई जो भी हो यार। बच्चे बैठ गए, ये जा रहे स्लाइडिंग करेंगे यहाँ पे, ये भैया लेके जाएंगे उसके पापा साथ साथ, छोड़ते नहीं है बच्चों को। भाई जाने को तो हम उधर भी जा सकते थे, बच्चों के साथ उतनी दूर जाना, इसलिए हम ये एंजॉय करवा देंगे बच्चों को। तो ये देखो गाइस कहाँ पहुँचे वो, अब जो वहाँ से करेंगे स्लाइडिंग। ओए भैया खुद ही बैठे हो, पैर रखवा रहे थे। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। नानू मजा आया, अरे वाह बस भैया उतार लो पानी में ना ले जाओ भाई। फ्रेंड्स ये मम्मी पापा जा रहे हैं ये राइड लेने, बहुत मजा आया। फ्रेंड्स अगर आप आओगे तो ये राइड जरूर लेना, बहुत मजा आया, लेकिन हाथ थोड़े सुन हो गए लाल। मम्मी भी सुन गई। अब ये यहाँ से आएंगे,
भाई हाथ सीरियसली पूरे बाल हो चुके हैं और ठंड बहुत तेज लगती है भाई। देख लो गाइस मई में बर्फ के मजे ले रहे हम। इसके पापा आ रहे ओ सबसे ज्यादा राइड आपको करा दी। अरे बाबा सबसे ज्यादा राइड आपने करी पता है लॉन्ग राइड। तो फ्रेंड्स ये जो स्लाइडिंग है ना वो नीचे बुक करवा रहे थे 1500 रुपये में, हमने नीचे तो करा नहीं, यहाँ आ गए और यहाँ पे देखो मात्र 100 रुपये में एक चक्कर करवा रहे। तो ठीक है यहाँ पे आके सही रहा, वहाँ से तो महंगा पड़ता हमको। आप लोग भी ऐसे कुछ ट्राई कर लेना। आने में भी नहीं लग रहा। हो गई मौज मस्ती, खेल लिया, मज़ा आ गया। अब चलते हैं नीचे कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। यहाँ मैगी पॉइंट वगैरह बना हुआ, वहीं चलते हैं। थोड़ा सा लकड़ी का पुल बना रखा है, उस पर देखो कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि आने वाले भी यहीं से आ रहे हैं, जाने वाले भी यहीं से। तो पुल बना देना चाहिए। तो भाई पहाड़ों में आके पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं, खा ले खा लो। लाओ भैया चाय रखो यार, मजा आएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी कर यहाँ 80 रुपए की मैगी है, ये है साइज, और ये 30 रुपए की चाय, कॉफी 50 रुपए की अभी जो आने वाली है। कि चुस्की लग रही मैनू। चलते दोबारा घोड़े पे सवार होके नीचे चलते हैं। बाहर का मौसम देखो खराब हो चुका है पूरा। फ्रेंड्स हम वापस यहीं आ गए, ये हमारी पूरी जनरी बहुत मस्त रहा ना, क्या बढ़िया यार। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, हो गया अभी भी ना मौसम ठंडा है भाई। चलो अब चलते अपनी गाड़ी के पास, और क्या सोच रखा है? 5:15 हो गए, सीधा चलते हैं। ठीक है 8:30 बजे तक पहुँच जाए। वाह मजा आ गया बच्चों। भाई हम जा रहे हैं वापस, आई हमारे वापस का व्यू। हम गए उधर से थे और जा इधर से रहे, जाने वालों को उधर से जाने दे रहे हैं, और इधर ना गाइस टनल बन रही है, बहुत रास्ता और आसान हो जाएगा फिर। हम घर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे फौजी भाई हमारे देखो ड्यूटी पे जा रहे हैं, और पूरा काफिला निकल रहा बहुत दूर से, बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं तो सारी यही गाड़ियाँ आ रही है इधर से, नॉर्मल गाड़ी नहीं आ रही है, देख रहे हो सारी यही गाड़ी आ रही है। बारिश की बूंदे भी पड़ने लग गई भाई, और अभी हमारा श्रीनगर यहाँ से भी 50 किलोमीटर है पहुँचने के लिए। भाई नीचे आज बारिश हुई है श्रीनगर में, चलो तो देखो कैसे कैसे रास्तों से निकाल के ले जा रही है। हम आए किसी रास्ते से, जा किसी और रास्ते से। ओके भाई ये हमारा मेन गेट यहाँ से। तो गाइस आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मौसम देखो यार गाइस क्या जबरदस्त मौसम है, बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ हमने करा होम स्टे, और देखो गार्डन वार्डन सब है यार, क्या जबरदस्त जगह है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है होम स्टे का। हमारा ऊपर जाने का रास्ता ये सीढ़ियां ही। अरे बाबा हुक्का भी है यहाँ पूरे, उसमें भाई कारपेट है, चप्पल जूते बाहर, साफ सफाई का पूरा ख्याल करा गया भाई, ठीक है ना। मतलब एक तरह से भाई अपने घर की तरह ही आओ और रहो, सही बात है। और ऐसा कुछ हमारा रूम होने वाला, वाव है यार रूम तो, है ना, खुला रूम है, रूम तो वाव है। मतलब ये देखिए रूम में कोई स्पेस की कमी हो वो शो हो गया, वॉशरूम इधर है, अच्छा वॉशरूम बाहर है, और इधर देखो गाइस ओए होए होए
विंडो का लगा है। इस जगह पे है ना भाई एसी की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिना एसी के इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ, तो मतलब क्या बताऊं। ऊपर से बर्फ में खेल के आए तो भाई अलग ही है। चलो ठंडा है, अभी थोड़ी देर में पीना। नहीं कल पीऊंगा। अभी ये देखो बाथरूम, बाथरूम देखो कितना मतलब भाई बाथरूम बहुत बड़ा है इनका, मतलब सही है रूम में। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है अगर आप कहीं होटल वगैरह में स्टे करने की सोच रहे हो तो भाई ऐसा कुछ आप इसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, बहुत ही ऑसम जगह है। और ना हमने खाना भी यहीं पे बोल रखा, वो खुद ही बना रहे हैं हमारे लिए खाना, तो देखते हैं खाना कैसे होने वाला है। हेलो, और रूम में आते ही खेलने लग गए यहाँ पे। देखो ये मेरे ऊपर कैसे चढ़ने की कोशिश कर रही है। ये चुहिया है ना बहुत बहुत तेज है, चुहिया नहीं चढ़ पा रही। चढ़ भी गई भाई, रूम अच्छा लग रहा है, जो भी को फैन लगा हुआ है। बस भाई टीवी नहीं है नानू लोगों के लिए, ठीक है नानू। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। रात में देखो कैसे खेल रहे हैं दोनों। गाइस अब नीचे चल के खाना खाते हैं, चलो। ये भाई यहाँ का डाइनिंग टेबल है, मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा घर का एरिया है ना, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। हाँ तो बाकी खाना वाना लो, आपको दाल चाहिए था तो दाल आ गई है, अपना फेवरेट मंगवाया कुछ। और इधर मेरी मिक्स वेज और दाल अचार के साथ मस्त एंजॉय करते हैं भाई। आ जाओ गाइस आप लोग भी खाओ, देखते हैं आज कश्मीर के घर के खाना कैसा होता है। स्वाद है, तुम्हें मजा आ गया था बस, समझ लो खाने सही है। प्याज भी देखो उसमें पता नहीं क्या मिला रखा इन्होंने भाई, काली मिर्च है, काली मिर्च हो, काली मिर्च और बारीक बारीक धनिया भाई, खाना स्वाद है जहाँ हम रुके हैं। जो रोटी मुझे चाहिए थी ना दो तीन दिन से, वो आज वाली रोटी वो आज मिली है हमें, आज नसीब हुई है। तो गाइस यहाँ पर हो गया है भाई खाना फिनिश, चलते हैं अभी अपन लोग बाहर ना, कुछ आवाज़ आ रही लग रहा है, बारिश हो रही है तो उधर भी देखते हैं भाई और फिर जाके सोते हैं। देखो मैं अपना फेवरेट मिक्स अचार खा रही हूँ। गाजर का? हाँ। बढ़िया है भाई, चलो नो नो हैंड वॉश कर लूँ। तो गाइस बारिश हो रही है भाई। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। बेताब वैली ये है जो